पुलिस वाले? अभी तो कंप्लेन भी नहीं लगाई और फिर यहाँ पर पहुँच गए। मैं सदर थाने से इंस्पेक्टर मान सिंह। आप में से गिन्नी ग्रेवाल कौन है? जी गिन्नी ग्रेवाल ये है जी। सत श्री अकाल सर जी, बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। मैं अभी आप ही को कॉल करने वाली थी। मुझे अपनी भाभी सिमरन प्रीत के खिलाफ कंप्लेन करानी है। आप अपनी रिपोर्ट बाद में दर्ज करवाइएगा, पहले हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमें आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत मिली है। क्या? और किसने शिकायत किया? किसने की कंप्लेंट? मैंने। सर मैं ही सिमरन प्रीत हूँ। मैंने ही विमेन सेल में कॉल करके कंप्लेंट की थी। थैंक गॉड आप टाइम से आ गए, वरना। सर जी आप इस पर यकीन मत करना, आप एक एक से पूछ लो। एक नंबर की झूठी है ये, बल्कि इसने तो हमारा डाबा चलाया है। मैं झूठी हूँ और जो मेरे कपड़ों में से केरोसिन की बदबू आ रही है वो भी झूठी है। तू सबसे सच्ची है। इंस्पेक्टर साहब ये सिमरन प्रीत सैम ये पहले भी कर चुकी है ऐसा कुछ। साहब जी ये झूठ बोल रही है। मेरी दी कभी झूठ नहीं बोल सकती। सर मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ। मैंने बहुत डरते डरते आपको कॉल किया था। देख रहे हैं ना कैसे सब लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। गिरफ्तार कर लो इन्हें। डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रही है, आप हमारी बात समझिए। ऐसा कुछ नहीं किया गिन्नी ने, ये झूठ बोल रही है। मैम आप मत कीजिए। मैं बहुत आदि आदि आपको समझ नहीं आ रही है। आपको बोल रहा हूँ झूठ बोल रही है। आदि अपने आप में क्या करेंगे, वरना मैं आपको पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने के लिए आपको अंदर कर सकता हूँ। आप छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, प्लीज प्लीज छोड़िए। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ये क्या कह रहे हैं आदित्य जी? आपको मेरी कसम, पुलिस को अपना काम कर लेने दो। गिन्नी ग्रेवाल आपको सिमरनप्रीत की कंप्लेन पर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्ज में अरेस्ट किया जाता है। अब आप जो भी कहेंगी वो आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा, जिसे पुलिस कोर्ट में भी पेश कर सकती है। सर पुलिस के ऐसे कामों की वजह से मेरे जैसी कमजोर महिलाओं को हिम्मत मिलती है कि वो अपने ससुराल वालों के अत्याचार के अगेंस्ट कंप्लेन कर सके। कोई है उनका साथ देने के लिए। थैंक यू सर। मैं आप सबको बता दूं, अगर ग्रेवाल फैमिली ने अपनी बहू पर कोई और जुर्म किया तो पूरी फैमिली गिरफ्तार हो सकती है। हथकड़ी पहनाइए। देखो गिन्नी ने कुछ नहीं किया, सैम ने किया। साहब जी मेरी गल सुनो, मेरी धी ने कुछ नहीं किया। ये कैसा कानून है जो बेगुनाह को सजा देता है? साहब जी मेरी कुड़ी ने कुछ नहीं किया। साहब जी मेरी गल सुन लो। वो ऐसे तो शादी अटक जानी है, पता नहीं कितने दिन इसे जेल में रखेंगे। और गिन्नी तेनू डरन दी लोड़ नहीं है। देख हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन बहुत देर तुझे अंदर नहीं रहने देना। मैं गिन्नी मैं जी जान लगा दूंगा बेल लेने के लिए, तू चिंता मत कर। मैं हुने फोन लगाना कमिश्नर में। समझते क्या है ये लोग अपने आप को। नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं वापस आ गई हूँ अपने वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फोन, सिमरनप्रीत का फोन। सिमरनप्रीत मुझे अपना फोन दो। मैं क्यों दूं अपना फोन? मैं नहीं दूंगी अपना फोन। मुझे अपना फोन दो जल्दी। तेनू सिमरन का फोन क्यों चाहिए? 1 मिनट। अब ये क्या ड्रामा है? आपको इनका फोन क्यों चाहिए? इंस्पेक्टर साहब, ड्रामे का पर्दाफाश करने के लिए तो फोन मांग रही हूँ। जब मैं शाम के पास गई थी, वो कमरे में कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है उसने जो कुछ भी कबूल किया वो उसी फोन में रिकॉर्डेड होगा। I said phone. क्या हो गिन्नी? वीडियो नहीं है। सिमरनप्रीत का फोन। फोटो गैलरी से वीडियो तुमने जरूर डिलीट कर दिया, बट बाकी जगहों से डिलीट करना भूल गई। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये है सैम का सच। प्लीज आप खुद ही देख लीजिए। क्या मजाक है ये? पहले आप कंप्लेन करती हैं कि ये अत्याचार कर रही हैं, और इस वीडियो में आप ही दोषी नजर आ रही हैं। आप आइए, इनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए, मैं आता हूँ। हथकड़ी खोल दो इनकी। आज के बाद अगर तुम गिन्नी और उसके परिवार के आसपास भी दिखी तो अगली बार मिट्टी का तेल असली होगा और आग मैं लगाऊंगा। गोल्डी, इतना कुछ होने के बाद भी? आज के बाद अगर तूने इस टब्बर की तरफ देखा भी तो अगली बार तू जरूर जेल जाएगी। तुम ठीक हो? जी। हाँ गिनी पुत्र, तुम ठीक हो ना? जी। मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। हम शादी कल ही कर रहे हैं। लेकिन आदि, कल तक तैयारियां कैसे होंगी? तैयारियां हो जाएंगी, मैं ग्रंथी साहब से बात कर चुका हूँ। हाँ हाँ, तुसी तैयारियां दी चिंता ना करो, मैं हूँ ना। आज रात को संगीत का फंक्शन कर लेंगे और कल सवेरे ब्याह। हाँ भी बढ़िया है। वाओ, जट मंगनी पट ब्याह मैंने सुना था पर पहली बार देखने को मिलेगा। आदि तू कहे तो हम आज भी ले जा सकते हैं। मैंने डांस वगैरह सब तैयार करके रखा हुआ है, आप लोग भी अपना अपना तैयार। अरे मेरी बात ही नहीं सुन रहा कोई। अरे मैं बता रहा हूँ, चलो चलो। चल चल ठीक है फिर। आज के बाद अगर तूने इस टब्बर की तरफ देखा भी तो अगली बार तू जरूर जेल जाएगी। ये अमीर लोग हमेशा लेट क्यों आते हैं? तुम लाख कोशिश कर लो सर, लेकिन गिन्नी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक परफेक्ट लूजर का ना परफेक्ट एग्जांपल हो गई हो तुम सैम, समझी? हर बार उसकी किस्मत ने उसे बचाया। आज मैं ऐसा कुछ करूंगी कि उसकी किस्मत भी हाथ खड़े कर देगी। कहते तुम ऐसे रही हो जैसे गिन्नी को हजारों बार हरा चुकी हो तुम। कुछ नहीं होना तुमसे। इस बार भी वही हश्र होगा जो अब तक होता आया है। अरे सैम, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है तुम्हारे आसपास? आदि तुम्हारा था और आज भी वो तुम्हारा हो सकता है, समझो इस बात को। गिनी ने आदि को तुमसे छीना है और अब वापस तुम हमारी जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए वो वापस से शादी कर रही। उसको जितने जख्म देने थे उसने दे दिए। आज मैं उसे ऐसा जख्म दूंगी कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। वो गिन्नी है, समझ रही हो? गिन्नी पर साथी मेंढक की तरह टर टर करने से ना कुछ नहीं होने वाला। आज ऐसा कुछ होगा जिससे ना गिन्नी किसी की रहेगी और ना कोई और गिन्नी का। बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो तुम। अंबर राज सिंह जी, गिन्नी आपके रास्ते का कांटा है ना, हट जाएगा वो कांटा। आप बस आज की डेट याद रखना, फिर उसके बाद खुशी खुशी मेरे लिए आप 10 लाख रुपए रेडी रखना। सैम, तुम्हारी सोच ही छोटी है, पता है? तुम मुझसे 10 लाख रुपए मांग रही हो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा अगर तुम अपना काम पूरा करती हो, समझी? 1 करोड़, लेकिन पहले काम उसके बाद में इनाम। इतना बड़ा रिस्क भी ले रही हो, जेल भी जा सकती हो। उसकी चिंता तुम मत करो, बस काम करो। अगर तुम जेल गई ना तो अमृतसर का बेस्ट लॉयर करूंगा तुम्हारे लिए और जेल से तुमको छुड़वाऊंगा, गारंटी। लेकिन एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या करना चाहती हो तुम? क्या करना है, कैसे करना है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। आप बस अपना प्रॉमिस याद रखिए। अगर मैं फंस गई तो मुझे बचाने की जिम्मेदारी आपकी। वीर जी बस तुझे चिंता ना करो। अंबर जी, कोहली साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसे हैं ओझा जी? कैसे हैं, कैसे हैं? लाओ जी लाओ, ड्रिंक्स लाओ। लीजिए। सैम ने दावे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं, बात तो तब बनेगी जब वो अपने दावों पर खरी उतरेगी। आदि नहीं अभी तक अंबर जी। आदि लो आ गया ना आदि। आदि आ जा छेतिया। किसे ढूंढ रहा है? गिन्नी को। तैयार होने गई होगी ना? हाँ। रुक मैं देख कर आता हूँ। हाय रब्बा, आकाश तेरा दिमाग खराब है। घर के हिसाब किताब की डायरी के पन्ने फाड़ कर तू प्लेन बना रहा है। चल जा जा अपने कमरेज जा। पर ताई जी मैं खेलूं किसके साथ? आज एंजल दीदी तो फंक्शन में बिजी है। ओह ये मैंने नहीं पता। आकाश ये खेलने की जगह नहीं है ना, और आपको प्लेन उड़ाने है। हाँ। तो आप स्टोर रूम में जाओ, वहाँ बहुत सारी पुरानी डायरीज और बुक्स है, उसके पेजेस लो और जितने प्लेन उड़ाने उड़ा लो। ओके चलो जाओ। आदि तो ताई जी छोड़िए ना, बच्चा है। गिन्नी आज के दिन के तूने सपने तो बहुत सजाए होंगे, पर पूरे आज वही होंगे जो मैं चाहूंगी। सैम अगर उस गिन्नी को रास्ते से हटा देती है तो उसके बाद मैं उस डायरी को ढूंढकर हमेशा हमेशा के लिए चला दूंगा। आदि क्या हुआ? आप यहाँ पे अकेले, कोई प्रॉब्लम? नहीं ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होनी? मैं तो बस खड़े हुए यहाँ पर ये सोच रहा था कि सोचो ना एक वक्त ऐसा था कि हमें दूसरे से कितनी नफरत करते थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी फैमिली फंक्शन में हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इतना एंजॉय करेंगे जैसा आज कर रहे हैं। आज मैं इतना खुश हूं ना, देखना आज तुम्हारे संगीत में मैं कितना नाचता हूं। एक बार वो डायरी हाथ में आ जाए उसके बाद मैं नाचते नाचते खुशी से पागल हो जाऊंगा। चीयर्स। आई कांट। मैंने छोड़ दी। छोड़ दिए? नहीं, जब से गिन्नी मेरे आ मेरे आवेली